My dear friend, I am Anand sir. Coming soon, you can follow me in Unacademy. बहुत जल्दी मैं Unacademy पर भी मेरे कोर्स अपलोड होने वाले हैं, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरा जो प्रोफाइल लिंक है Unacademy का, वो आपका है आनंद नेहरा 07. ओके, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं. अभी जल्दी ही मेरे कोर्स जो हैं वो अपलोड होने वाले हैं, पब्लिश होने वाले हैं, अभी प्रोसीजर में है. तो कमिंग सून वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ओके, यस, तब तक आप लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करें, और यूट्यूब पर आप मुझे रेगुलर वीडियो देखते रहें. अगर आप चाहते हैं कि अपन बायोलॉजी के अंदर 360 में से 360 ला सकते हैं, तो डेफिनेटली ला सकते हैं. आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहें. अगर आपको कोई वीडियो के अंदर अगर आपको लगे कि सर हमें इस टॉपिक का वीडियो बनाना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपको उसी टॉपिक के वीडियो बना के दूँ. अगर आपको लगे कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, इसकी डिटेल हमें दी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ. और ईजी एनसीईआरटी बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट वाइज आपके लिए वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग बायोलॉजी के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकें. ओके, तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अपन. लेक्चर नंबर 4 है अपना, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो देखते हैं. अपना टॉपिक है लैरिंग्स. अब देखो, मैंने आपको सिंपली बताऊं, मैं आपको लैरिंग्स वॉइस बॉक्स है. लैरिंग्स से क्या होता है, यहां पर आप समझो, एक चीज को समझो यहां पर, कि जब अपन नेजल कैविटी से, यानी नेजल कैविटी से नीचे की ओर जाते हैं, तो वहां पर एक कॉमन पाथ पे आता है फेरिंग्स. उस फेरिंग्स के आगे वाला जो पार्ट है वो कहलाता है लैरिंग्स. ओके, तो लैरिंग्स के बारे में अपन डिटेल स्टडी करते हैं आज. अपन लैरिंग्स क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, यानी ध्वनि को उत्पादित करने वाला अंग है, जो ध्वनि उत्पादित करता है. अब आप कहोगे सर लैरिंग्स ध्वनि कैसे उत्पादित करता है, तो मुझे यहाँ पर एक समझने की जरूरत है कि लैरिंग्स सिर्फ प्रोड्यूस करता है, एयर के वाइब्रेशन यहाँ पर होते हैं, जबकि हमें क्या बोलना है, प्रोनाउंस क्या करना है हमें, ये डिपेंड करता है ब्रेन के ऊपर. ब्रेन हमें बोलता है कि आप इसको आनंद सर बोलो, आपको मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम गीता है, मेरा नाम सीता है, ना? तो डेफिनेटली इस पे ये सब डिपेंडेंट जो करेगा वो ब्रेन की मेमोरी करेगी. इट इज नॉट कि लैरिंग्स बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, लैरिंग्स तो सिर्फ वॉइस को प्रोड्यूस कर रहा है, क्या बोलना है वो डिपेंडेंट करता है अपने ब्रेन पे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर है, लाइक बॉक्स, कार्टिलेज का बना हुआ होता है. एंड एक्चुअली क्या है लैरिंग्स, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि लैरिंग्स सर होता क्या है. लैरिंग्स क्या होता है कि मान लो ये ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के ये प्रॉक्सिमल एंड है, तो ये डिस्टल एंड है. इस प्रॉक्सिमल एंड एक्चुअली कार्टिलेज का बना हुआ, ट्रेकिया का जो प्रॉक्सिमल एंड है, वही प्रॉक्सिमल एंड क्या कहलाता है, लैरिंग्स कहलाता है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, गुड. नेक्स्ट, मेटाबाइला 6 कार्टिलेज, 6 कार्टिलेज का बना होगा, यस. तो देखो बच्चों, जो लास्ट पॉइंट अपन ने देखा था लास्ट स्लाइड का, कि जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स होता है, वो 6 कार्टिलेज का बना हुआ होता है. तो यहाँ पर अपन जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स है, उसके बारे में अपन डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. फिर आप क्या करना, स्लाइड में भी देख लेना, मैंने स्लाइड भी दी है इसकी, लैरिंग्स की. ओके, डायग्रामेटिक व्यू भी दिया हुआ है, उसमें अच्छे से देख लेना. तो देखो इस डायग्राम को समझो पहले. यहाँ पे जो दिख रहा है, इस थायराइड के एंटीरियर पार्ट पे, ओके, आगे की ओर एंटीरियर पार्ट पर एक संरचना पाई जा रही है, जिसको अपन ने क्या बोला है, एपिग्लॉटिस. क्या बोला है, एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस को आप अच्छे से जानते होंगे, किसे ट्रैफिक फ्लिसमैन भी कहते हैं अपन. ट्रैफिक फ्लिसमैन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखा होगा आपने, जो ट्रैफिक फ्लिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि इधर से गाड़ियां आ रही है, तो वो स्टॉप कर देते हैं, पहले इस वाले गाड़ी को पास करने देते हैं, फिर इधर वाली गाड़ी को, यानी रास्ते को क्लियर करने वाले होते हैं. यानी कोई रास्ते में अगर कोई जाम लग गया, तो जाम क्लियर कौन करता है, ट्रैफिक पुलिसमैन करता है. तो वैसा ही काम कौन कर रहा है यहाँ पे, एपिग्लॉटिस कर रहा है. जैसे फूड आएगा तो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लोज करेगा, और जैसे ही मान लो
रेस्पिरेशन आएगा मतलब एयर जाएगी अंदर, तो क्या करेगा फूड वाले डाइजेस्टिव ट्रैक को क्या करेगा क्लोज कर देगा, तो उसे हमने क्या बोला है एपिग्लॉटिस का है। क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया होगा, आप डाइजेस्टिव सिस्टम में मेरे एक लेक्चर को देखें, वहां पर मैंने बहुत अच्छे समझाया फेरिंग्स को। फेरिंग्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं, एक होता है ग्लॉटिस और एक होता है अपना जो होता है गुलेट। तो गुलेटिस जो पोर होता है वो पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, एंड ग्लुएट जो होता है वो पाया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक पे, छिद्र पाया जाता है। ओके तो उसको कवर करने वाली संरचना कौन सी है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस एक तो लीफ लाइक इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई संरचनाएं होती हैं, और इस थायराइड कार्टिलेज के एंटीरियर पार्ट पे पाई जाने वाली लीफ लाइक इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई संरचनाएं क्या कहलाती हैं एपिग्लॉटिस कहलाती है। ओके तो समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट नीचे देखो, ये जो आपको दिख रही है ये थायराइड कार्टिलेज, पूरा ये थायराइड कार्टिलेज, ये रिंग्स है, इनको हम बोलते हैं थायराइड रिंग्स। ये क्या है थायराइड रिंग्स, ये देखो थायराइड रिंग्स है, ये अपना है थायराइड कार्टिलेज। इस थायराइड कार्टिलेज के नीचे जो होगा वो कौन सा है क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज है अपना। ओके इस क्रिकॉइड कार्टिलेज के डोर्सल साइड में जो दिख नहीं रहा है आपको वो है अपनी अरेटिनोइड कार्टिलेज, और जो नीचे वाले दिख रहे हैं ये है अपनी सी कार्टिलेज रिंग्स, यानी इनकम्प्लीट रिंग्स है जो वहां पे पाई जाएंगे ट्रेकिया के अंदर पाई जाएंगे। ओके तो ये ट्रेकिया पार्ट हो गया नीचे, तो क्योंकि लैरिंग्स वास्तव में प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ट्रेकिया ही है, तो नीचे क्या है अपना सी कार्टिलेज रिंग्स है। ओके तो इसको आप अच्छे समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो अपन सबसे पहले फर्स्ट कार्टिलेज के बारे में स्टडी करते हैं, पहला कार्टिलेज कौन सा है अपना थायराइड कार्टिलेज है, इसके बारे में देखते हैं अपन। सिंगल है यानी संख्या में एक है, सबसे बड़ा कार्टिलेज है, लार्जेस्ट कार्टिलेज है, किसका बना हुआ है हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है। क्योंकि कार्टिलेज भी कई प्रकार के होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं, इलास्टिन कार्टिलेज होते हैं। ओके एनिमल टिश्यू में आपको ये सब देखना पड़ेगा, वहाँ पर आपको समझाएंगे आपको, वो जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पर्टिकुलर कार्टिलेज का बनाएंगे। ओके नेक्स्ट इनकम्प्लीट रिंग्स, देखो इनकम्प्लीट रिंग्स पाई जा रही है यहाँ पर, कम्प्लीट नहीं है ये, इनकम्प्लीट रिंग्स की फॉर्म में पाया जाता है, तो उसे हमने क्या बोल दिया थायराइड कार्टिलेज बोल दिया। मैंने यहाँ पर देखो नोट लगा के स्पेसिफिक पॉइंट बनाए बहुत ही ईजी वे में, मानव के अंदर वुमन के अंदर थायराइड कार्टिलेज की जो वेंट्रल सरफेस है, थायराइड कार्टिलेज की जो वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल का मतलब आगे अदर जो ब्रेस्ट, वेंट्रल सरफेस पर एक बड़ी अनलार्ज गांठ नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एडम एपल, जिसे क्या बोलेंगे एडम एपल। तो यहां पर आप समझने की कोशिश करें, ये अपना थायराइड कार्टिलेज इसकी एंटीरियर पार्ट पर, मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल के अंदर नहीं होता एडम एपल, फीमेल के अंदर ये एब्सेंट होता है, मेल की बात कर रहा हूँ मैं, नर के अंदर ही पाया जाता है। ओके तो ये थायराइड कार्टिलेज के वेंट्रल सरफेस पर एक लार्ज एंड गांठ संरचना है जिसको अपन बोलते हैं एडम एपल। ओके जो क्या करता है मेल के अंदर वॉइस को थोड़ा सा भारी बना देता है। ओके इसका जनरली ये काम है, तो ये हो गया आपका एडम एपल के बारे में, तो आपको समझ में आया होगा थायराइड कार्टिलेज। ओके नेक्स्ट सेकंड कार्टिलेज पे चलते हैं अपन। यस सेकंड अपना जो कार्टिलेज है वो कौन सा है क्रिकॉइड कार्टिलेज, उसके बारे में देखते हैं। क्रिकॉइड कार्टिलेज के बारे में सिंगल है, संख्या में एक पाया जाता है, कंप्लीट रिंग है, ये देखो ये बिल्कुल ही कंप्लीट रिंग है, जबकि वो क्या था अनकंप्लीट रिंग के अंदर पाया जा रहा था। हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है, किसका बना हुआ है हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है। पोजिशन देखें तो जस्ट बिलो टू थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के नीचे की जो संरचना दिख रही है आपको वो कौन सी है अपनी क्रिकॉइड कार्टिलेज, कौन सी है क्रिकॉइड कार्टिलेज, और ये रिंग भी क्रिकॉइड कार्टिलेज रिंग है। ओके थर्ड तीसरा कार्टिलेज अपन देखते हैं, तो बहुत ईजी है ये,
थर्ड टाइप का कार्टिलेज देखते हैं जो लेरिंग से बना होता है थर्ड टाइप के कार्टिलेज का, तो वो कौन सा है? एरेटिनॉइड कार्टिलेज। एरेटिनॉइड क्या है? पेयर है, ओके, जोड़े में पाए जा रहे हैं। पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है? पिलर लाइक स्ट्रक्चर है और हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ओके। और इसकी पोजिशन देखें तो ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, इसके डोर्सल यानी पीछे वाली सरफेस पर, इन डोर्सल सरफेस ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज यानी क्रिकोइड कार्टिलेज के पीछे वाली जो डोर्सल पृष्ठ सतह पर पाई जाने वाली एक जोड़े नुमा संरचना क्या कहलाती है? एरेटिनॉइड कार्टिलेज कहलाती है, ओके। तो ये हो गया अपना एरेटिनॉइड कार्टिलेज। तो कितने कार्टिलेज हो गए? दो तो ये हो गए, एक थायराइड हो गए, क्रिकोइड हो गया, तो चार कार्टिलेज हो गए। मैंने छह बताए हैं, लास्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? कार्टिलेज ऑफ सिंटोरियम, ये फोर्थ, ओके। तो ये क्या होता है, कहां पे पाए जाते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरियन? सेंटोरियन कहां पे पाए जाते हैं? एंटीरियर अलार्ज पार्ट ऑफ द ईच एरेटिनॉइड कार्टिलेज, यानी जो एरेटिनॉइड कार्टिलेज है जो मैंने बताया पीछे की ओर पाया जा रहा है, उसमें कुछ उभरी हुई सी संरचनाएं पाई जाती हैं। उन उभरी हुई संरचनाओं को अपन क्या बोलते हैं? कार्टिलेज ऑफ सेंटोरियन, ओके। तो संख्या में कितनी हो गई? दो। तो टोटल कितनी हो गई? दो ही पाई गई, दो अपनी एरेटिनॉइड है, चार, एक क्रिकोइड है, पांच, और एक थायराइड कार्टिलेज है। तो कितने कार्टिलेज का बना हुआ है? सिक्स कार्टिलेज का बना होता है कौन? लैरिंक्स। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो लैरिंक्स है, मैं नोट लगा के यहां पे बताऊं, लैरिंक्स की जो इंटरनल लेयर है वो बनी होती है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू की। जो यहां पर मैं नोट लगा के आपको बताऊं, यहां पे मैं नोट लगा के पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करूं मैं आपको, कि लैरिंग्स की जो इंटरनल लेयर है, जो इंटरनल लेयर है वो किसकी बनी होती है? वो क्यूबोटियल एंड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? घनाकार स्तंभाकार उपकला ऊतक की बनी होती है। दिस टाइप मेम्ब्रेन इज, आप इसको म्यूकस मेम्ब्रेन कह सकते हो। कौन सी मेम्ब्रेन है? म्यूकस मेम्ब्रेन टाइप की जो है वो कौन सी है? इंटरनल लेयर है। तो इंटरनल लेयर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि कोई भी है उसकी फोर लेयर होती हैं, आप सबको पता है, सीरोसा, मस्कुलर्स लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, म्यूकोसा जो इंटरनल मोस्ट लेयर होती है, ओके। तो ये पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। तो ये अपना कंप्लीट हो गया लैरिंग्स के बारे में। अब लैरिंग्स में क्या पाए जाते हैं? वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं अपन वोकल कॉर्ड। यस, तो वोकल कॉर्ड के बारे में अपन डिटेल स्टडी करते हैं। वोकल कॉर्ड को मैंने स्लाइड बना दी है स्लाइड के द्वारा, तो ऐसी स्लाइड आपको अनअकैडमी में मैं इसी टाइप से पढ़ाऊंगा आपको, वहाँ पे आपको स्लाइड के द्वारा ही पढ़ाएंगे। तो देखो वोकल कॉर्ड में क्या है, मेम्ब्रेन्स लाइनिंग लैरिंग्स, यानी जो लैरिंग्स की जो मेम्ब्रेन होती हैं और इलास्टिन फाइबर्स का बना होता है क्या वोकल कॉर्ड्स? कितने पेयर्स पाए जाते हैं? टू पेयर्स पाए जाएंगे यहाँ पर। एंड कहाँ पे प्रजेंट होते हैं? ये थायराइड कार्टिलेज और एरेटिनॉइड कार्टिलेज के बीच में प्रजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो टू टाइप्स के वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, ओके। तो वोकल कॉर्ड कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड, ये क्या होते हैं? वन पेयर होते हैं, किसके द्वारा? मोस्टली मेम्ब्रेन्स के बने होते हैं। और देखो ये वाइब्रेशन एंड साउंड प्रोड्यूस करने वाले वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, इसलिए इनको अपने फॉल्स बोला, असत्य वोकल कॉर्ड यानी स्वर रज्जू, ओके। क्योंकि ये वाइब्रेशन भी उत्पन्न, कंपन भी उत्पन्न नहीं करते और साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जबकि दूसरे प्रकार के होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। अब ट्रू वोकल कॉर्ड क्या होते हैं? उन्हें बोलते हैं सत्य सवर रज्जू। ये क्या होते हैं? वन पेयर्स होते हैं, ये भी वन पेयर पाए जाते हैं, इलास्टिन फाइबर्स के बने होते हैं, और ये क्या करते हैं? कंपन उत्पन्न करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि साउंड प्रोड्यूस करने वाले वोकल कॉर्ड कौन से होते हैं, तो आप उनका राइट आंसर आएगा क्या? ट्रू वोकल कॉर्ड। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि जब हम एयर को बाहर निकाल रहे होते हैं, यानी एयर को अपन क्या कर रहे हैं? एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं। तो एक्सपायरेशन करेंगे तो
तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड है उस ट्रू वोकल कॉर्ड में क्या होगा, यहाँ से एयर पास होगी तो ये वाइब्रेट करेगी यहाँ पर, तो जिससे वाइब्रेशन उत्पन्न होगी इलास्टिन फाइबर्स को वाइब्रेट करेगी, जिससे वाइब्रेशन उत्पन्न होगी उन्हीं वाइब्रेशन के द्वारा क्या होती है अपनी वॉइस प्रोड्यूस होती है। ओके, तो आई थिंक्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, और आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करें, आनंद नेहरा 07 माई प्रोफाइल लिंक। ओके।